राजकोट में खेला जा रहा भारत और वेस्टइंडीज के बीच टेस्ट मैच के दूसरे दिन ताजा खबर मिलने तक वेस्टइंडीज ने 4 विकेट के नुकसान पर केवल 39 रन बनाए हैं और अब क्रीज पर सुनील अम्बरीश और रोस्टन चेज खेल रहे हैं और भारतीय टीम से जूझ रहे हैं। वहीं भारत ने अपनी पहली पारी 9 विकेट के नुकसान पर 649 रन पर घोषित कर दी है विराट कोहली के शानदार 139 रन और वहीं ऋषभ पंत शतक से केवल 92 रन बनाकर चूक गए। वहीं रविंद्र जडेजा ने टेस्ट करियर का पहला शतक ठोक दिया है। बता दें कि वेस्टइंडीज को पहला झटका मोहम्मद शमी ने दिया। उन्होंने मेहमान टीम के कप्तान ब्रैथवेट को क्लीन बोल्ड कर अपनी टीम को पहली सफलता दिलाई। इसके बाद शमी ने पावेल को LBW आउट कर मेहमान टीम को दूसरा झटका दिया। भारत को पहला झटका पहले ही ओवर में लगा। तेज गेंदबाज सैनन ग्रेवियल ने उन्हें LBW आउट किया। चेतेश्वर पुजारा 86 रन बनाकर आउट हो गए। वो शेरमेन लुइस की गेंद पर विकेटकीपर शेन डोविच को कैच थमा बैठे। अपना पहला मैच खेल रहे शेरमेन लुइस का यह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पहला विकेट भी रहा। पृथ्वी शाह 134 रन बनाकर बीसु की गेंद पर कॉट एंड बोल्ड आउट हुए। रहाड़े 41 रन बनाकर रोस्टन चेज की गेंद पर शेन डेविड को कैच थमा बैठे। अब देखना यह है कि 639 का जो टीम इंडिया ने स्कोर वेस्टइंडीज को सौंपा है और 39 के ही स्कोर पे 4 विकेट गंवा चुकी वेस्टइंडीज की टीम क्या इतने रनों को अचीव कर पाएगी। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स से वरुण की रिपोर्ट।